हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। अगली खबर पार्लियामेंट से जुड़ी हुई है, यानी कि संसद से जुड़ी हुई है। पूर्व चीफ जस्टिस रंजन गोगोई को राज्यसभा भेजा गया है। उनको राज्यसभा भेजे जाने पर कई राजनीतिक दलों की प्रतिक्रियाएं आई हैं, लेकिन सबसे बड़ी प्रतिक्रिया है उनके साथी रहे जस्टिस कुरियन जोसेफ की। उन्होंने क्या कहा, सुनते हैं। देश के इतिहास की ये वो तस्वीर है जो पहले कभी नहीं देखी गई। न्याय के लिए जनता जिनकी अदालत में जाती है, वो 12 जनवरी 2018 को खुद जनता की अदालत में हाजिर हुए थे। उस वक्त भारत के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रंजन गोगोई के साथ जस्टिस कुरियन जोसेफ प्रेस कॉन्फ्रेंस करने आए थे। उस वक्त दोनों के साथ दो और जज, जस्टिस चिलमेश्वर और जस्टिस मदन बी लोकुर थे। ये तस्वीर हम आपको इसलिए दिखा रहे हैं क्योंकि अब एक बार फिर भारत के पूर्व चीफ जस्टिस और प्रेस कॉन्फ्रेंस में साथ रहे सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज कुरियन जोसेफ सुर्खियों में हैं। मुद्दा है पूर्व सीजेआई रंजन गोगोई को राज्यसभा के लिए नामित किए जाने का। अब सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जस्टिस कुरियन जोसेफ ने कहा है कि जस्टिस चिलमेश्वर, जस्टिस गोगोई, मैंने और जस्टिस मदन बी लोकुर ने न्यायपालिका की स्वतंत्रता के लिए आवाज उठाई थी। 12 जनवरी 2018 की हमारी प्रेस कॉन्फ्रेंस में जस्टिस गोगोई के शब्द थे, हमने देश के प्रति अपना कर्ज चुकाया है। आज उनका राज्यसभा का पद स्वीकार कर लेना लोगों की न्यायपालिका की स्वतंत्रता के भरोसे को कमजोर करता है। स्वतंत्र न्यायपालिका संविधान के मूल ढांचे का हिस्सा है। मैं शेखर कपूर लेके आ रहा हूँ प्रधानमंत्री सीरीज 2, शनिवार रात 10 बजे।